नितिन गडकरी के बयान के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हरकत में है और आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से इस तरह की तख्तियां लिए सड़कों पे आपको नजर आएंगे, जिसमें ये कहा गया है कि कृपया गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे यात्री जो है सीट बेल्ट जरूर लगाएं और साथ में चालान भी यहाँ पर काटा जा रहा है और आगे आपको दिखाएं। तो लगातार जो है ये सिलसिला यहाँ पर बारहखंबा रोड पे फिलहाल जो है वो चल रहा है और पहले से नियम का हिस्सा रहा है कि 1000 रुपए का चालान आपको देना पड़ेगा अगर आप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तो इसी को लेकर फिलहाल जो है मुहिम जो है वो ट्रैफिक पुलिस चला रही है और यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो रोकी जा रही है, पीछे बैठे लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो सीट बेल्ट नहीं है इनके पास और ये चालान जो है ये चालान इस तरीके से चालान काटा जा रहा है। कितने का चालान कटा सर? सर मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। कितना रुपए का है? 1000 रुपए का जाते जीरो बैलेंस में निकाल 1000 रुपए का 1000। और आगे से क्या कहेंगे मतलब सर? जो बैठे रहेंगे अब बोलूंगा सर उनको। क्या बोलेंगे? सीट बेल्ट लगाना जरूरी है आगे से बोलेंगे जी। तो अभी ये लोग नहीं लगाए हुए थे, अब तो लगा के चलेंगे? मैं तो लगाया हुआ था सर जी। जी पिछली सीट पे पीछे नहीं लगे हुए थे? नहीं लगे हुए जी। अगली बार से ये ख्याल रखेंगे जी सर। इस तरीके से चालान जो है आप देखिए कि इस तरीके से चालान की कॉपी जो है वो आपको नजर आ रही होगी और लगातार उन लोगों को रोका जा रहा है जो लोग गाड़ी की पिछली सीट पर तो हैं लेकिन जिन्होंने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। तो ये सिलसिला जो है वो दरअसल साइरस मिस्त्री की डेथ के बाद ये मुद्दा गरमाया कि पिछली सीट पर वो बैठे हुए थे, उनकी मौत हो गई उस हादसे में। उनके अलावा एक और आदमी की मौत हुई जब वो लोग गुजरात से मुंबई आ रहे थे, पालघर के पास दुर्घटना हुई और सीट बेल्ट नहीं लगे होने की वजह से एयर बैग्स भी पीछे में नहीं खुले। और अब जो है नितिन गडकरी ने जब कहा, हालांकि नियम का हिस्सा पुराने वक्त से है लेकिन जब ये कही गई बात तो उसके बाद से ये जो है राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार जो है आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे इस प्रक्रिया को, इसकी शुरुआत जो है, इस मुहिम की शुरुआत जो है वो ट्रैफिक पुलिस से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हो गई है और लगातार चालान काटने का सिलसिला जो है शुरू हो रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पहले से पहले अवेयर करना चाहिए था और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब नियम सख्त किए जाते हैं तभी उस पर अमल भी होता है और उसी के मद्देनजर फिलहाल जो है यहाँ पर आप देखिए कि एक एक करके गाड़ियों को देखा जा रहा है और उनको जैसे ही दूर से लगता है कि सीट बेल्ट किसी ने नहीं लगाई हुई है तो फिर जो है वो उसको रोकते हैं और वहाँ पर जो कार्रवाई की जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक गाड़ी फिलहाल जो है वो रोकी गई है, वो यहाँ पर फिलहाल जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही है। कुल मिलाकर आपकी सुरक्षा का भी सवाल है और साथ में इस बात को लेकर भी कि नियम कायदे कानून को लेकर भी आप बेपरवाह न हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।